ये रेडियो जुम्बेश उर्दू की आवाज है आज अठारह अगस्त मंगल का दिन और साल 2020 है और आपका मेजबान मेरा बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है पंजवूर और आवाराण से मुख्तलिफ इलाकों में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज का ऑपरेशन चटे रोज भी जारी रहा इसी दौरान मुख्तलिफ मकामात पर शेलिंग की जा रही है जबकि बाज इलाकों में घरों को नजर आतिश किया गया है काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज ने केच और हापचौकी से दो अफराद को जबरी तौर आरोप लापता किया है कराची से पाकिस्तानी फौज के हाथों जबरी तौर आरोप लापता होने वाले सिंध सुगी फारम की डिपी जनरल सेक्रेटरी सारंग जोया बाजियाब हो गए हैं। कश्मीर में एक मसल्ला झड़प में भारतीय फोर्सेज के तीन एहलकार हलाक हो गये है ये तीन चंद अहम खबरों की सुर्खियाँ काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज के, के हाथों तुरबत में हयात मिर्जा बलूच के सफा खाना कतल के खिलाफ एहती मुजाहरों का सिलसिला ताइ हाल जारी है इसी सिलसिले में तुरबत में बलोच यकजेती कमेटी केच की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गयी जबकि ग्वादर में खामोशी एहतजाजी रैली निकाली गयी है और हयात बलोच की याद में क्षमा रोशन किए गए इसी हवाले ऐसी रेडियो जुम्मिश की तफसी रिपोर्ट दोस्त मुराद बलोच पेश करेंगे काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों केच के मरकजी शहर तुरबत में शहीद होने वाले बलोच तालब इलम हयात बलोच की कतल के खिलाफ बलोचिस्तान भर में एहताजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है इसी सिलसिले में पीर को तुरबत में बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गयी जो मुख्तलिफ शाहरा ऐसी होते हुए शहीद फिदा चौक आरोप जलसे की शक्ल इख्तियार की एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में खातिन और बच्चों समेत मर्द शामिल थे एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद एक खातून का कहना था कि हमें मजबूर किया गया है कि हम सड़कों पर निकल आए हैं पहले हमारे सामने हमारे नौजवानों को उठाया जाता था मगर अब सरेआम उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर रहे हैं मुजाहरे खिताब करते हुए एक नौजवान ने कहा कि हम खामोश रहे तो मारे जाएंगे अगर बात करेंगे तो भी मारे जाएंगे उनका कहना था कि 10 साल बाद अगर हम फिर से सड़कों पर निकल आए हैं तो हम मजबूर हैं अब हम बोलेंगे खामोश रहने से बेहतर है कि बात करके मारे जाएं। ऐहतजाज में शामिल एक और खातून ने कहा की रियासत ने हमें मजबूर किया है की कि हम इस शदीद गर्मी में अपने शीर ख्वार बच्चों के साथ सड़कों पर इंसाफ के मुंतजर है उन्होंने कहा की अगर हम खामोश रहे तो ये खूनखार दरिंदे हमारी नस्लों को खा जाएंगे। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हयात बलोच को इंसाफ देने के लिए नारे दर्ज थे ग्वादिर में भी बरमश यकजहती कमेटी ग्वादिर की जानब से ऐसी मकतूल ताल हयात बलोच की कत्ल के खिलाफ खामोश रैली निकाली गई जिसमें तलबा और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की रैली में शरीक लोगों ने हयात बलोच की याद में शमे रोशन की और एफ सी एहलकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया और कहा की हयात बलोच का कत्ल दरअसल बलूचिस्तान में रोशन दिमाग तालब इल्मों के कत्ल का तस्ल سلحف दूसरी तरफ कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज बलूचिस्तान में क्याम अमन के लिए तैनात है और जहाँ उन पर हमले होते हैं या बद अमनी का कोई वाक्य पेश आता है तो वो आइन और कानून के मुताबिक उनमें मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं लेकिन जहाँ तक हयात बलोच के मारे जाने का ताल्लुक है इसके हवाले ऐसी बाकायदा फ्रंटियर कोर के अहलकार की गिरफ्तारी अमल में लाई गयी है जो अब रिमांड आरोप पुलिस के हवाले है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी बलूच स्टूडेंट सेक्शन कमेटी के मरकजी तर्जुमान ने हयात बलूच के मावरा अदालत कतल के ख़िलाफ़ शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है की एक तालब इलम का इस तरह दिन दिहाड़े बगैर किसी जुर्म के कत्ल करना जुल्म की इंतहा है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है तर्जुमान का कहना था की बलूचिस्तान में तालब इलमों को सिर्फ तालीमी मसायल और मुश्किल का सामना नहीं बल्कि उनकी जिंदगी भी महफूज नहीं है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान अख्तरजान मेंगल ने कहा है कि हयात बलूच एक पुरजम तालब इम थे जिन्होंने तशद्द के बजाय कलम की ताकत का इंतखाब किया इसीलिए उसे बेदर्दी से कतल कर दिया गया अख्तर मेंगल ने सवाल किया है कि बलूचों के लिए तमाम दरवाजे जबरदस्ती बंद किए जा रहे हैं चाहे वो तालीम हो सियासत हो या फिर जीने का हक लिहाजा हमें बताया जाए हमारे लिए क्या बचा है ये थे इन मुराद बलोच अब आज की न्यूज़ बुलेटिन में शामिल बलोचिस्तान से मुतल खबरें सारे बलोच पेश करेंगी पंजगुर अवारान केच और वाशिक में पिछले छह रोज से जारी ऑपरेशन में काबिज पाकिस्तानी फोर्स ने मज़ीद शिद्दत लाई है रेडियो जुरम्ब को मिलने वाली इतलात के मुताबिक पंजगुर के इलाके गिचक में मुख्तल मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेज की जमीनी और फजाई ऑपरेशन जारी है जिसे वसात देते हुए गिचक सोलर पश्तको सोलर और गिरदनवा तक फैला दिया गया है इलाकाई जराये ऐसी मिलने वाली इतलात के मुताबिक ऑपरेशन में काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज घरों को जला रहे हैं जबकि लोगों को हिरासत में लेने के बाद लापता करने की भी एलात है ताहम आमदरफ्त के रास्ते बंद होने के बायस किसी किस्म की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी है दौरान ऑपरेशन काबिज अफवाज की गन्शेप हेलीकॉप्टरों ने कई मकाम आरोप शेलिंग की है दूसरी तरफ केलकोर कोलवा गंदाचाई और जिरबार के पहाड़ी इलाकों में गनशेप हेलीकॉप्टरों की शेलिंग और बड़ी तादाद में लोगों के पाकिस्तानी फोर्सेज के हाथों जबरी गुमशुदगियों की भी इतलात है जबकि ऑपरेशन के नतीजे में कई छोटी छोटी आबादियां मुकम्मल तौर पर मिटा दी गई हैं और वहां के मकीनों का कुछ अता पता नहीं है कि वो कहां गए हैं बलूचिस्तान में काबिज और इस्तेसाली रियासत पाकिस्तान के फोर्से और खुफिया इदारों के हाथों जबरी गुमशदगियों का सिलसिला जारी और सारी है ताज़ा इतलात के मुताबिक हब चौकी के इलाके जंगी खानगोट से काबिज पाकिस्तानी फोर्सेज और खुफिया इदारों ने एक घर पर छापा मार कर कोलवा ब्लोर के रिहायशी नौजवान मास्टर मुख्तियार अली जिबाद को गिरफ्तार करके लापता कर दिया है दूसरी तरफ केच के इलाके गोरकोब तरीके लग में पाकिस्तानी फोर्सेज ने एक घर पर हमला करके वहां से एक नौजवान आसिफ वल्दे मयार बलोच को अपने हमरा ले गए जो की ताहा लापता है बलूचिस्तान के सबक कठपुतली वजी अला डॉक्टर मालिक बलोच ने कहा है कि लापता अफराद का मसला बलूचिस्तान की मुसल जद के साथ मुंसलिक है जब तक ये मसला हल न होगा ये लापता अफराद का मसला हल नहीं होगा उनका कहना था की कोई वाक कहीं हो जाता है तो दो आदमी छोड़ दिए जाते हैं और दस को उठा लिया जाता है इस मसले को हल करने की बुनियाद ये है की जाकर मुजाकर करें डॉक्टर मालिक बलोच ने कहा दुनिया में इंसर्जेंसी और गोरिला जंग डील करने के लिए दो तरीके हैं एक तामल स्ट्रेटजी जो मुकम्मल तबाह कारी खत्म करना है दूसरी आयरिश स्ट्रेटजी है जबकि रियासत तामल स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है जो बलूचिस्तान में नाकाम होगा काबिज पाकिस्तानी फौज के हाथों तो मारूफ सिंधी अदेब ताज जोयो के बेटे सारंग जोयो रिहा होकर घर पहुंच गए हैं सारंग जोयो के रिहाई की तस्दीक उनके वालिद और वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन ऑफ सिंध ने की है सारंग जोयो फ़ार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची में सिंध अभ्यास अकेडमी में रिसर्च एसोसिएट और सिंध सुजाकि फोरम नामी तंजीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी है सारंगजोयो को 11 अगस्त की रात डेढ़ बजे पुलिस और रेंजर्स ने अख्तर कॉलोनी से जबरी तौर पर लापता किया था जिसकी रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी था जोयो के बाद उनके दो कजनों को भी लापता किया गया है जो ताहा लापता है जीवनी के माहगीर गैर कानूनी ट्रालरिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं इसी सिलसिले में जीवनी के माहगीरों ने ग्वादर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जहां जहाँ नारेबाजी की गई मुजाहरीन ने माहर एतिहाद के सदर हाजी खुदादाजो इलाही बख्श अतौला ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रात अस्सी से जायद ट्रॉलरों ने जीवनी के समंदर पर यलगार किया और जीवनी के समंदर को ट्रॉलर माफिया के रहम करम पर छोड़ा गया जिससे माहगी के खात्मे का खदशा है उनका कहना था की पाकिस्तान भर में लॉकडाउन के खात्मे के साथ तमाम कारोबार चल रहे हैं मगर जीवनी के माहगीरों के लिए अभी तक लॉकडाउन बरकरार है लॉकडाउन के दौरान जिला इंतजामिया की जानब ऐसी टोकन सिस्टम शुरू करके शिकार की इजाजत दी गयी थी मगर कोस्ट गार्ड तहाल इसी सिस्टम के तहत माहिगरों को समंदर में जाने की इजाजत दे रहे हैं है। उनका कहना था कि जीवनी के माहीर एक तरफ रोजगार के लिए परेशान है तो दूसरी तरफ पीने के पानी के लिए परेशान है बलूचिस्तान के पच्चीस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम पीर ऐसी शुरू की गई है मुहिम के दौरान पच्चीस लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वायरस से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर किया गया है पोलियो हकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी के बायस बच्चों के वायरस से मुतासर होने के खतरा मुसलसल मौजूद है इसीलिए बच्चों को वायरस ऐसी बचाव के कतरे जरूर पिलाएँ दूसरी तरफ पेशेन में नामालूम अफराद की फायरिंग ऐसी अब्दुल्ला नामी पोलियो वैक्सीनेटर जख्मी हो गया है जिन्हें इब्तदाई तबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल कर दिया गया फायरिंग से जख्मी होने वाले वैक्सीनेटर ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे थे कि उन्हें निशाना बनाया गया बलूचिस्तान में कोयटा समेत मुख्तलफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले पैमा मरकज के मुताबिक जजिले की शिदत रेक्टर स्केल पर छः अशारिया चार रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज खुजदार से साठ किलोमीटर दूर था दूसरी तरफ सिब्बी में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए जिसकी शिदत चार आशारिया सिफर रिकॉर्ड की गयी जबकि गहराई तैतीस किलोमीटर और मरकज सिब्बी ऐसी उन्नीस किलोमीटर मशरक में था कोयटा के नवाही इलाके मश्र की बाईपास कुएं में गिरने से एक शख्स हलाक हो गया है कुछ लाख में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान की बाजी हार गया है कोस्टल हाईवे पर नलैंड के करीब अलवाजिद ट्रांसपोर्ट की बस उलट गई है जिसमें खातून समेत नौ अफराद जख्मी हुए हैं। मस्तुंग में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल किया गया है जबकि पंजगुर और खुजदार में भी दो अफराद गोलियों का निशाना बने हैं आवरान में डैम में नहाते हुए एक नौजवान डूब गया है हठपुतली बलूचिस्तान असम्बली में मुतह अपोजीशन के अरकान ने रकन सूबाबली हाजी जाबिद अली रेकी पर मुबैना कातलाना हमला और चमन वाकई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि रुकन असम्बली पर कातलाना हमले में मुलविस नायब तहसीलदार के खिलाफ सेवन एटी ए के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और सरहदी इलाकों से पेट्रोल और डीजल लाने वालों से जगह जगह नाके लगाकर रुको तो बटो का सिलसिला फौरी तौर पर खत्म करके उनसे एक बार कानूनी तौर पर टैक्स लिया जाए बलूचिस्तान ट्रांसपोर्टर अलायंस ने 20 अगस्त से बलूचिस्तान भर में गैर मायना मदत तक के लिए हड़ताल की काल देते हुए कहा है कि बलूचिस्तान भर में जगह, जगह जगह चेक पोस्टों पर स्मगलिंग के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स को परेशान किया जा रहा है दूसरी तरफ मोटरवे न होने के बावजूद मोटरवे रूल्स लागू किए गए हैं उनका कहना था की हुक्म को वक्ता फोकता अपने मसाइल ऐसी आगाह करते रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है मजबूर एहत का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है जो मुतालबात के हल तक पुरान तौर पर जारी रहेगा ये थी सारे बलोच अब इलाके और आलमी खबरें सुनते हैं खलील वाडिला से। सिंध में टट्टा की किंजर झील में तेज रफ्तार कश्ती उलटने से कराची के इलाके महमूदाबाद के एक ही खानदान के दस अपराध डूबकर हलाक हो गए हैं, जबकि तीन को बचा लिया गया है रेस्क्यू जराये के मुताबिक झील में उलटने वाली कश्ती में तेरह अपराध सवार थे जिनमें ग्यारह खुवातिन और दो बच्चे शामिल है मरने वालों में तीन सगी बहने भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती और ना ही उनके दबाव की वजह से हम अपना मौकफ बदलेंगे बिलावल भुट्टो का कहना था कि पूरा खानदान भी गिरफ्तार कर लें मगर वो अठारवी तरमीम पर आँच नहीं आने देंगे बिलावल भुट्टो का कहना था मेरे खानदान के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है जमहूरी इंसानी हकूक पर हम अपना बेनिया नहीं बदलेंगे कश्मीर में एक मुसल्ला झड़प के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के तीन एहलकार हलाक हो गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीर में जिला बारामूला के इलाके करीरी में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस और पुलिस के एहलकार का गश्त कर रहे थे के इन पर नामालूम सिम से फायरिंग की गई फायरिंग के नतीजे में तीन एहलकार मौके पर ही हलाक हो गए मुतदा अरब इमारत ने इसराइल से ताल्लुक कायम करने को एक खुद मुख्तार फैसला करार देते हुए ईरान को खबरदार किया है कि वो मुल्क के अंदरूनी मामला और फैसलों में मुदाखलत से बाज रहे मुतद अरब इमारत के वजीर मुमलकत बरए उमूर कारजा अनवर गर्गाश का इस हवाले से कहना था कि इसराइल और इमारत के दरमियान अमन माह एक खुद मुख्तार फैसला है जिसके लिए ईरान की हदायत की कोई ज़रूरत नहीं है सूमालिया के दारालकूमत मोगा देशों में मुबैना तौर पर अलशबाब के देशत गर्दों ने मकामी होटल में बम हमला और फायरिंग की है जिसके नतीजे में नौ अपराध हलाक हुए हैं दूसरी तरफ अमरीका में मुख्तलिफ मकाम पर अठारह अपराध पर फायरिंग की गई है जिसके नतीजे में चार अपराध हलाक हो गए हैं तल अबीब में हजारों इसराइलियों ने वजीर आज़म बिन यामी नैतनयाहू की माली बदनवानियों के खिलाफ मुजाहरा करते हुए इनकी पौरी बरतरपी का मुतालबा किया है आलमी मीडिया के मुताबिक तल अबीब की बालपुर स्ट्रीट पर वाक़ इसराइली वजीर आजम बिन यामी नैतनयाहू के घर के सामने हजारों मुजाहन ने बदनवानियों में मुलवश नैतन याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया मुजाहरीन के हाथों में प्ले कार्ड थे जिनमें नैतन याहू इस्तीफे दो चेतन तुम हमारे लिए बाय से शर्म हो जैसे नारे दर्ज थे बहरा रोम के मुतनाज़ हिस्से में तुर्की की जानब से तेल की तलाश के लिए एक बहरी जहाज़ भेजे जाने के बाद तुर्की और यूनान के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है इस हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब तैयबर्दगान ने कहा है कि बैन अवी कोशिशें तुर्की को बहरा रोम के मतनाज़ा पानियों में तोानाई की तलाश से नहीं रोक सकेंगे और ना हम अपने समंदरी इलाक़े पर डाका जनी के सामने झुकेंगे लीबिया की नेशनल आर्मी ने बताया है कि फौज ने मुल्क के जुनूब में तेल की एक तनसीब पर शिद्दत पसंद ग्रुप दाश के अमले का मंसूबा नाकाम बना दिया है जहां एक ऑपरेशन के दौरान दाश के 32 जंगजुओं को कत्ल कर दिया गया इस कार्रवाई में दहशत गर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद के साथ साथ तेल के तनसिब के नक्शे भी बरामद किए गए है इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का अख्तितम होता है अपनी मेज़बान मेरा बलोच को इजाजत दीजिए और मजीद खबरों के लिए विजिट करते रहे हमारी वेबसाइट जुर्म्बेश डॉट कॉम